अब ऐसे कैसे हो सकता है कि 2009 में बॉलिंग एक्शन के लिए रिपोर्ट किया जाए और आपको एक महीने में क्लियर कर दिया जाए, और उसके ठीक 5 साल बाद आपको उसी बॉलिंग एक्शन के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया जाए। और उसके आगे, आजकल बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अजमल के साथ ऐसा क्या हुआ कि उस बैन के बाद उसके करियर को मानो ग्रहण सा लग गया हो? ऐसा क्या हुआ उस बैन में जिसने अजमल का करियर खत्म कर दिया? सबसे पहले 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलते वक्त अजमल की बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गई, स्पेसिफिकली उसका दूसरा रिपोर्ट कर दिया गया। पर रिपोर्ट होने के एक महीने के अंदर उसकी जांच की गई और आईसीसी ने उसे पूरी तरह क्लियर कर दिया। अब अजमल और पीसीबी उस समय कह रहे थे कि उसको बचपन में हुई चोट के कारण क्लियर कर दिया गया है, पर आईसीसी ने उस स्टेटमेंट का कभी समर्थन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अजमल की बॉलिंग एक्शन क्लियर है। अब आगे जाते हैं 2014 के जून में। आईसीसी के मीटिंग में सस्पेक्टेड एक्शन को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई और अंत में यह निर्णय लिया गया कि अब से उनके टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके शरीर के मूवमेंट्स जांचने वाले वैज्ञानिकों के साथ हर एक के एक्शन की जांच की जाएगी। और इसके एक महीने के अंदर जुलाई 2014 में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और श्रीलंका के सचित्र के बॉलिंग एक्शन को लेकर उनको सस्पेंड कर दिया गया। अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के हफीज, वेस्टइंडीज के सुनील नारायण, बांग्लादेश के सोहग गजी और अल अमीन हुसैन, और फिर जिम्बाब्वे के उत्सया को, सबको बॉलिंग एक्शन के लिए रिपोर्ट कर दिया गया। अब जरा देखते हैं कि जुलाई के 2014 में अजमल के करियर के साथ क्या चल रहा था। नवंबर 2011 से दिसंबर 2014 तक अजमल बॉलर्स में रैंक 1 पर था। उसने वही मुकाम T20 में हासिल किया 2012 के अक्टूबर और दिसंबर के बीच, और टेस्ट्स में 2012 में वो जनवरी से लेकर जुलाई तक सेकेंड रैंक पे था। उसने टेस्ट में 28 के औसत से 170 विकेट्स लिए थे और वनडेज में 22 के औसत से 183 विकेट्स। और जस्ट कुछ महीने पहले इंग्लैंड में वॉर्चेस्टर के लिए खेलते वक्त उसने अपना करियर बेस्ट 19 रन में 7 विकेट्स का रिकॉर्ड बनाया था। तो सईद अजमल उस समय दुनिया के सबसे अव्वल गेंदबाजों में से एक माने जाते थे, और 9 सितंबर 2014 को उनको क्रिकेट से बैन कर दिया गया। अब ये बैन आया कहां से? बैन होने के एक महीने पहले पाकिस्तान श्रीलंका के साथ गोल में एक टेस्ट मैच खेल रहा था, जहां अंपायर्स ने अजमल के एक्शन को रिपोर्ट कर दिया। उस रिपोर्ट के चलते अजमल को 25 अगस्त को ब्रिस्बेन में जाकर अपनी एक्शन टेस्ट करानी पड़ी, जिसके नतीजे में यह पता चला कि उनके हाथ का बेंड 15 डिग्री लिमिट का उल्लंघन कर रही है। अब अगर प्रॉब्लम सिर्फ दूसरे वाले बॉल में होती तो एक बात थी, पर जांच में पता चला कि अजमल की हर एक प्रकार की गेंद उस लिमिट का उल्लंघन कर रही है। इसलिए आईसीसी ने झट से निर्णय ले लिया और उन्हें बैन कर दिया। अब ये आखिर हुआ कैसे? कुछ साल पहले तो सब ठीक था, अचानक सारे गेंदों में फॉल कैसे आ सकता है? इस सवाल का जवाब दिया पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेट अकेडमी के चीफ कोच ने, पूर्व पाकिस्तानी फास्ट बॉलर आकिब जावेद। उनका कहना था कि एक मैच खेलते वक्त बॉलर की एक्शन दो कारणों से बदल सकती है। पहला, अगर वो बहुत समय से बॉलिंग कर रहा हो और उसका शरीर बहुत थक गया हो, या फिर दूसरा, अगर वो विकेट लेने के लिए बहुत डेस्परेट हो रहा हो। अब ये जब बार 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 होने लगे तो एक बॉलर धीरे धीरे बुरी आदतें इख्तियार कर लेता है, जो उसकी एक्शंस को धीरे धीरे पूरी तरह बदल देती है। खास करके जिस मैच के लिए अजमल को रिपोर्ट किया गया, उसमें श्रीलंका ने 438 रन जड़ दिए थे, 4 विकेट्स खोके। पाकिस्तानी टीम अजमल से बॉलिंग करवाए जा रही थी इस आस में कि कोई विकेट निकल जाए, और अजमल जो एक भी विकेट नहीं ले पाए थे, कोशिश पे कोशिश किए जा रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में बॉलिंग एक्शन का जो होना था वही हुआ। अब ये बात शायद पीसीबी और अजमल दोनों को भी पता थी, इसीलिए शायद उस जजमेंट के खिलाफ अपील करने के बजाय उन्होंने अपनी एक्शन दुरुस्त करके एक रीटेस्ट करने का निर्णय लिया।
अब ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होना खास करके एशियाई सब कॉन्टिनेंट में ग्रास रूट लेवल पे युवकों को कभी वो डायरेक्शन ही नहीं मिलता, वो रूल्स ही नहीं समझाए जाते, उनके बॉलिंग एक्शंस में ऐसी खराबी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अपने टी नटराजन की बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुई थी 2015 में, जिसके बाद उसे 15 महीने देकर उसे ठीक करवाना पड़ा। तो बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं, बट अजमल की बॉलिंग एक्शन जब रिपोर्ट हुई तब उनकी उम्र थी 37 और खराबी सिर्फ एक किस्म के बॉल में नहीं तो हर एक बॉल में थी। उनको हर एक बॉल को स्क्रैच से रिवाइज करना पड़ता अगले 6 महीनों में। सईद अजमल बार बार अनऑफिशियल टेस्ट देते रहे और बार बार फेल कर दिए गए। पीसीबी ने दूसरी बार अपने तौर पर सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन का मुआयना करवाया है। इंग्लैंड में एक हफ्ता मजीद काम के बावजूद भी कौमी स्पिनर सईद अजमल का दूसरा ठीक ना हो सका। जराए के मुताबिक सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन पर पीसीबी के 30 लाख रुपए से जायद लग चुके हैं। फाइनली 7 फरवरी वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले जब उनके एक्शन को क्लियर किया गया, तब तक पीसीबी ने अजमल के खिलाफ खुद का एक निर्णय ले लिया था। बार बार टेस्ट में फेल होने के कारण अजमल और उनकी नई एक्शन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लायक नहीं, उनको उस बार के वर्ल्ड कप टीम में नहीं लिया गया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारने के बाद उन्हें एक मौका दिया बांग्लादेश के खिलाफ खेलने का और प्रदर्शन कुछ खास ना होने के कारण उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद वो डोमेस्टिक सर्किट में कितना भी शानदार प्रदर्शन क्यों ना दे या फिर PSL में परफॉर्म करे, उनको कभी टीम में वापस नहीं लिया गया। पहले अजमल का इस्तेमाल किया गया उस पॉइंट तक जब तक वो टूट ना जाए और फिर जब वो खुद को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा था उसे बस फेंक दिया गया। पीसीबी ने एक पॉइंट पे अजमल को जबरदस्ती रिटायरमेंट करने की भी कोशिश की, ट्विटर पे डिक्लेयर कर दिया कि वो शाहिद अफरीदी और अजमल के लिए फेयरवेल मैच का प्रयोजन कर रहा है, पर उस समय अजमल तो रिटायर करना ही नहीं चाहते थे। सईद अजमल 2017 में रिटायर होने तक कहते रहे, मैंने अपना फिटनेस अपना फॉर्म प्रूव किया है नेशनल T20 कप में, मुझे बस एक मौका दे दो, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं खुद रिटायरमेंट ले लूंगा, पर इससे कोई फर्क ना पड़ा, पीसीबी ने निर्णय ले लिया था और सईद अजमल का करियर खत्म हो चुका था। क्रिकेट का एक समय का सबसे अव्वल गेंदबाज रिटायर हो गया, 3 साल तक एक भी इंटरनेशनल मैच ना खेले, मानो वो प्लेयर नहीं कोई खिलौना हो जिसे खरीदा गया, इस्तेमाल किया गया और फिर तोड़कर फेंक दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।